Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello dear students, this is Prashant. Students, आज हम लोग class 10th mathematics NCERT solution का topic triangle chapter 6 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं. स्टूडेंट देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पर ट्रायंगल का आपको समझाया था. जिन भी स्टूडेंट ने प्रीवियस क्लासेस के वीडियो नहीं देखे हुए हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको पा सकते हैं या प्लेलिस्ट से इसको ले सकते हैं. स्टूडेंट हम लोग एक्सरसाइज 6.1 ट्रायंगल फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने समरूप त्रिभुज और सर्वांगसम त्रिभुजों के बारे में जाना था. देखते हैं एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन एक्सरसाइज 6.1 क्या बोलती है. देखते हैं स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न रिक्त रिक्त स्थानों को भरिए. पहला क्वेश्चन है सभी वृत्त, ब्लैंक दिया हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं. तो सभी वृत्त की अगर बात आती है स्टूडेंट, सभी वृत्त कैसे होते हैं. अब वृत्त आपका 1 सेंटीमीटर का भी हो सकता है, 2 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर, सभी वृत्तों की बात कर दी गई है. तो सर्वांगसम तो तब होंगे जब उनका सेम शेप हो और साइज भी सेम हो. स्टूडेंट अब साइज के लिए अगर 1 सेंटीमीटर का आप एरिया निकालेंगे सर्कल का तो पाई आर स्क्वायर के हिसाब से क्या आएगा, और 2 का निकालेंगे, 3 का, क्या उनका साइज सेम होगा, बिल्कुल नहीं होगा. तो सभी वृत्त आपके क्या कहे जा सकते हैं, समरूप, यानी कि सभी ऑल द सर्कल्स आर सिमिलर. सभी वृत्त कैसे होते हैं, समरूप होते हैं. स्क्वायर की बात करते हैं स्टूडेंट, सभी वर्ग कैसे होते हैं, सभी वर्ग स्टूडेंट कैसे होते हैं, समरूप होते हैं. चूंकि समरूपता कंडीशन क्या थी, उनका शेप सेम होना चाहिए, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि उनका साइज भी सेम हो. तो सभी वर्ग कैसे होते हैं स्टूडेंट, समरूप होते हैं, एक जैसे रूप के होंगे, सभी वर्ग हैं. अब ऐसा नहीं कि एक ट्राइंगल दे दें, एक सर्कल दे दें तो वो तो समरूप भी नहीं होंगे और सर्वांगसम भी नहीं होंगे. चूंकि सर्वांगसम के लिए कंडीशन क्या होती है कि शेप भी इक्वल होना चाहिए. साइज हो सकता है कि ट्राइंगल का और एक सर्कल का एरिया सेम हो रहा हो, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि उसका शेप, अब देखिए शेप ट्रायंगुलर शेप है, वो सर्कुलर शेप है. तो सभी वर्ग कैसे होते हैं स्टूडेंट, समरूप होते हैं. आगे थर्ड नंबर दिया हुआ है सभी समबाहु त्रिभुज. अब स्टूडेंट देखिए सभी समबाहु त्रिभुज कैसे होंगे, सभी समबाहु त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होते हैं. क्वेश्चन देखिए फोर्थ, इसका भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि. अब समरूपता कंडीशन क्या थी, उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, यानी कि उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल. ये सिमिलरिटीज की, ट्रायंगल सिमिलरिटीज की कंडीशन होती है. तो यहाँ पर देखा पॉलीगॉन्स के लिए भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज, बहुभुज क्या होता है, 3 या 3 से अधिक, 3 or more than 3 साइड्स, 2 या 2 से, यहाँ पर क्या होता है 3 या 3 से अधिक भुजाओं वाली आकृतियां क्या कहलाती हैं, आपकी बहुभुज कहलाती हैं. यहाँ पे लिखा भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज आपको दिए गए हैं, समरूप होते हैं यदि नंबर 1 उनके संगत कोण कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, और उनकी संगत भुजाएं कैसी होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए. आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट, आई होप इट्स क्लियर. समरूप आकृतियां दी गई हैं, 2 समबाहु त्रिभुज 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर वाले. अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर ये 2 समबाहु त्रिभुज है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर. स्टूडेंट देखिए ये समरूप है, ये कैसे है, समझो कि ये 1 सेंटीमीटर का है और ये 2 सेंटीमीटर, ये समरूप कहलाएंगे स्टूडेंट आपके. और 2 वर्ग 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर वाले ये क्या कहलाएंगे स्टूडेंट, ये भी आपके देखिए सर्वांगसम नहीं होंगे क्योंकि इनका जो साइज है, जब इसका एरिया निकालेंगे कुछ और आएगा, इसका एरिया निकालेंगे कुछ और आएगा. और समरूपता कंडीशन क्या होती है कि उनकी जो शेप है, उनकी जो आकृतियां हैं वो सेम होनी चाहिए, तो ये समरूप आकृतियां कहलाएंगे स्टूडेंट. आगे देखते हैं क्वेश्चन इसका दिया हुआ है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है. अब देखिए ये आपका ट्रेपेजियम है, समलंब चतुर्भुज बना हुआ है और ये स्क्वायर है. देखिए स्टूडेंट इनका शेप इक्वल है क्या, नहीं ना, ये अलग है समलंब और ये क्या वर्ग है, इनका शेप इक्वल नहीं, तो ऐसी आकृतियां समरूप आकृतियां नहीं है. अब त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज, ये भी देखिए आप ये भी आपके सिमिलर नहीं है क्योंकि ये आप ट्राइंगल है और ये आपका क्वाड्रिलेटर यानी पैरेललोग्राम स्टूडेंट दिया गया है, तो ये आपके सिमिलर नहीं है. सिमिलर के लिए शेप एकदम सेम होना चाहिए, भले ट्राइंगल का साइज छोटा बड़ा हो लेकिन वो सेम ट्राइंगल ही होनी चाहिए. सर्कल है तो सर्कल होना चाहिए, तो ये आपका सिमिलर नहीं है. अब देखो क्वेश्चन थर्ड देखते हैं स्टूडेंट, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं. अब 2 चतुर्भुज आपको दिए गए स्टूडेंट, देखिए ये और ये, समरूपता कंडीशन क्या होती है, उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी समान होना चाहिए. देखिए चतुर्भुज PQRS और ABCD समरूप नहीं है, जैसा कि उनकी भुजाएं अनुपातिक हैं. देखिए 1.5 इसका रेशियो लेंगे तो 3 1.5/3 सेम आ जाएगा 0.5, इसका लेंगे तो भी सेम, इसका लेंगे तो भी सेम. लेकिन स्टूडेंट इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं क्या, नहीं, क्योंकि जो अनुरूप उनके जो एंगल होगा, देखिए स्टूडेंट ये आपका स्क्वायर दिया हो गया है, स्क्वायर का तो आप देखिए स्क्वायर है या इसका इन्होंने मेंशन किया रखा है फिगर में कि 90 90 के, लेकिन ये एंगल्स कभी 90 के नहीं होंगे आपके स्टूडेंट, ये एंगल्स 90 के समांतर चतुर्भुज का अगर एक कोण 90 अंश का बनता है तो वो वर्ग बनता है, वो आयत बनता है. लेकिन यहाँ पर ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है तो यहाँ पर इनके एंगल्स इक्वल और आपको शो भी किया गया इनके एंगल्स इक्वल नहीं है, जबकि सिमिलरिटी की कंडीशन क्या होती है स्टूडेंट, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होना चाहिए, उनके संगत कोण बराबर हो और उनके संगत भुजाओं का अनुपात नियत हो, तो ऐसे त्रिभुज ऐसी आकृतियां आपकी क्या कहलाती है, समरूप आकृतियां कहलाती हैं. तो स्टूडेंट ये तो आपका है नहीं, तो यानी कि ये जो 2 चतुर्भुज दिए गए हैं ये आपके समरूप
नहीं है स्टूडेंट। आई होप इट्स क्लियर स्टूडेंट। थैंक यू सो मच।